एक बार देवताओं की सहायता के लिए भेजने से पहले भगवान शिव ने अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आ जाएगा उसे ही देवताओं की सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिव जी की बातें सुनकर कार्तिकेय तो अपनी सवारी मोर पर बैठकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि यदि वे अपने वाहन मूषक से पृथ्वी की परिक्रमा करने जाते हैं तो इसमें बरसों बीत जाएंगे। तब बुद्धि और ज्ञान के भंडार श्री गणेश जी को एक उपाय सूझा। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के नजदीक आए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर वापस अपनी जगह खड़े हो गए। कार्तिकेय के वापस लौटने पर स्वयं को विजेता कहने पर शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे पूछा कि क्यों गणेश जी, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता में ही तो पूरा संसार है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही तो बात है। ये सुन शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दे दी। नाम है तेरा, खुशियाँ देना।